हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का लेक्चर पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट लेक्चर। और इस वीडियो में पढ़ेंगे ठोसों में निविड़ संकुलित संरचनाएं। जी हाँ गाइस, और ये टॉपिक पूरा का पूरा हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। खासकर जो इसमें हम 3D, ठीक है, यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, तो आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कोई मैं आशा करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस लेक्चर को शुरू करता हूँ। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके गाइज, अगर आप अभी तक हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नीलेश क्लास नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा मॉडल पेपर, उसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हैंड रिटेड नोट्स के साथ साथ टाइपिंग नोट्स भी मिल जाएगा। हालांकि नोट्स के लिए पेमेंट करना पड़ता है, क्लास 12 के लिए 309 रुपये, इसमें आल सब्जेक्ट का नोट्स होता है, ठीक है। और क्लास 10th के लिए मात्र 99 रुपये, जिसमें इसमें भी आल सब्जेक्ट का नोट्स होता है, एकदम बेस्ट नोट्स, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं ठोसों में निविड़ संकुलित संरचनाएं। देखिए, ये निविड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें लिखा गया है, आप देखिए ध्यान से। देखिए, ठोसों में अवयकण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, इसे ही निविड़ संकुलित संरचनाएं कहा जाता है। आई होप आपको निविड़ संकुलित संरचनाएं क्लियर हो गया होगा। देखिए, ठोसों में जो अवयकण यानी अणु परमाणु आयन जो होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य क्या होता है कि एक रिक्त स्थान होता है, ठीक है, न्यूनतम जो काफ़ी कम होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं कि निविड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा है कि यदि अवयकणों को एक समान ठोस गोला मान लिया जाए तो हम निम्न तीन पदों में निविड़ संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। जी हाँ, जो हम यहाँ पे अवयकण यानी जो अणु परमाणु आयन है, अगर हम इनको एक ठोस गोले की भांति मान लें, ठीक है, ठोस गोले की भांति व्यवहार करें इनका, ठीक है, तो इन निम्न तीन प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि निविड़ संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम पहला। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे एक बीमा में निविड़ संकुलन, ठीक है, कि एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचनाएं कैसी बनाई जाती हैं, ठीक है, या कैसे बनाई जाती है। इसको थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक अलग मैं पेज ले लेता हूँ, एक मिनट। ओके, मैं एक ये सादा पेज ले ली। यहाँ पे मैं आपको एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचनाएं समझाता हूँ। देखिए, जब अवयी गोले जो ठोस गोले होते हैं उनको इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है, एक के बाद एक, यहाँ पे मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, एक मिनट, एक के बाद कुछ इस प्रकार, कुछ इस ढंग में सटा कर रखा जाता है, ठीक है, एक मिनट, इस तरह मैं फैला लेता हूँ। देखिए, इसी प्रकार, मतलब इसी प्रकार इसको बढ़ाएंगे हम आगे, इस प्रकार मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, इस प्रकार हम रखते जाएंगे, तो इस प्रकार एक जो हम लोग की संरचना बनेगी, ठीक है, अवयी कणों की, यह एक बीमा में निविड़ संकुलन होगा। क्लियर है, यह क्या होगा, एक बीमा में निविड़ संकुलन होगा। देखिए, इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वह एक बीमा में निविड़ संकुलन होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक आती है उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। तो देखिए, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है कि कोई भी एक हम गोला ले ले, उस गोले से कितने गोले सटे हुए, तो देखिए इसमें इस गोले से एक यह गोला और एक यह गोला, दो गोले सटे हुए, यानी इसकी अगर हम उपसहसंयोजन संख्या की बात करूं तो दो होगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई कि एक बीमा में निविड़ संकुलित संरचना, देखिए 3D मैंने यहाँ इमेज ऐड किया है। देखिए, लिखा गया कि एक बीमा निविड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में, ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक पूरी तरह पंक्ति में, ठीक है, एक लाइन में, एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हुए रखे गए हैं, ठीक है, तो स्पर्श करते हुए रखा जाता है। इस प्रकार की निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, अतः एक बीमा निविड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या दो होती है। देखिए, कोई भी आप यहाँ गोला ले लेंगे, ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ कोई भी आप गोला ले लेंगे, मान लीजिए ये आप गोला लेते हैं, तो देखिए इससे ये दो निकटवर्ती गोले सट हुए, यानी इसकी उपसहसंयोजन संख्या दो हुई, या आप ये लगे तो देखिए इसे एक और ये दो गोले सट हुए। अब आप कहोगे कि इसको हम ले लें तो इसे तो ये एक ही सटा हुआ है, तो हो सकता है यह संरचना इस तरह आगे भी हो, हमने तो यहीं पे छोड़ दिया, तो यहाँ भी दो, यानी एक बीमा में जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो दो होती है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें हम संरचना किस तरह बनाते हैं कि जो अवयी जो
मतलब गोले होते हैं उनको एक सीधी पंक्ति में एक सटा कर रखा जाता है, बस यही है। आप ये डिफिनीशन भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उपसंयोजन संख्या की भी डिफिनीशन हमने लिख दिया कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कि किसी ठोस गोले के निकट उपस्थित गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं ये। और यहाँ सरल भाषा में भी मैंने लिख दिया है कि किसी एक गोले से जितने गोले सटे हो उनकी संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जिसमें यह एक गोला ले तो इससे दो गोले सटे हो तो इसकी उपसंयोजन संख्या दो। बस यही एक विमान निविड़ संकुलित संरचना है, इस प्रकार से बनती है। अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं द्वि विमान निविड़ संकुलित संरचना का हम निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले एक विमीय, उसके बाद द्विविमीय, उसके बाद त्रिविमीय, ये तीन चीज़ पढ़ेंगे। तो हमने अभी एक विमीय मतलब में संरचना देख लिया कि जो हम लोग गोले होते हैं उनको इस तरह सटा कर एक पंक्ति में रखा जाता है, तो इस प्रकार की संरचना जो होती है एक विमीय संरचना होती है। और इसी एक विमीय संरचना का उपयोग कर कर हम द्विविमीय संरचना बनाते हैं, और फिर द्विविमीय संरचना में जो हमें संरचनाएं प्राप्त होती हैं उनका उपयोग कर हम त्रिविमीय संरचनाएं बनाते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हमें जो हमें फर्स्ट एक विमीय में जो हमें एक फिगर मिला, यानी जो ये हम लोग का फिगर मिला यहाँ पे, ये इसका प्रयोग कर कर हम द्विविमा में निविड़ संकुलित संरचनाएं बनाएंगे इसका उपयोग कर कर। तो चलिए देखिए, और इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना एक विमीय निविड़ संकुलित गोलों की पक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके निम्न दो प्रकार से बनाई जा सकती है, ठीक है। जो हम लोग की एक विमीय निविड़ संकुलित जो संरचना थी उसका ही उपयोग कर द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना दो प्रकार से बनाई जा सकती है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या हो गया, जैसे ये हम लोग की एक पक्ति हो गई, तो एक तो ये एक विमीय एक और अगर एक ले तो एक विमीय निविड़ संकुलन हुआ। इसी को हम बार बार इसके नीचे इस तरह दोहराते जाए, ठीक है। इसके नीचे हम लोग इस तरह दोहराते जाए तो देखिए यह और एकदम इस तरह सीधे में, तो यह एक संरचना बन जाएगी और यह वर्ग टाइप की होगी, इसलिए इसका नाम होगा वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना। क्लियर है ये आपको चीज़, क्या इसका नाम होगा? वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना। और इसमें देखिए इसके एकदम नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, यानी सभी मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं क्या है कि एक ही प्रकार की, इसलिए यहाँ नाम ए ए ए ए दिया गया है, यानी इसका पैटर्न होगा ए ए होगा। और अगर उपसंयोजन संख्या की हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई भी एक गोला ले लें, जैसे यहाँ देखिए एक गोला यह लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक यहाँ पर ये गोला लिया गया है। अब इससे देखिए इधर वाला गोला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये चार गोले सट रहे हैं, इसलिए यहाँ उपसंयोजन संख्या क्या होती है? चार होती है। क्लियर है? तो ये तो हम लोग की वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना हो गई द्विविमा में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हम लोग की ये जो एक विमा में यह हम लोग का जो पंक्ति यह प्राप्त हुआ था या यह संरचना जो प्राप्त हुई थी, इसको हम दो प्रकार से रख सकते हैं। फर्स्ट तो इस प्रकार से कि मतलब पहली जो पंक्ति है उसके सेम नीचे एकदम इसी तरह दूसरी पंक्ति सेम, तीसरी पंक्ति सेम, चौथी पंक्ति रखते जाएँ, ठीक है, इस तरह। और दूसरा यह भी हो सकता है कि यह जो हम लोग की पहली पंक्ति है, ठीक है, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखें कि जो बीच में ये खाली स्थान है भी टाइप का, ठीक है, यह भी टाइप का, इसके इसको मतलब क्या भर दे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति को हमने रखा है तो सारी यहाँ जो खाली स्थान है, ठीक है, उसको भरा गया है, तो इस टाइप से भी रख सकते हैं। और इस प्रकार हम उसके बाद एक और रखेंगे पंक्ति, एक और रखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर पहली पंक्ति को हम ए मान लें, पहली पंक्ति को ए या यहाँ बी माना गया, तो चलिए बी ही मान लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति देखिए पहली पंक्ति से थोड़ा भिन्न है, ठीक है, भिन्न है, क्योंकि देखिए उसके सीध में नहीं है, क्लियर है, इसके पहले के केंद्र के सीध में नहीं है, तो इसलिए इसको हमने ए माना है, ठीक है, या इसको भी हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी को देखेंगे तो देखिए तीसरी आपकी जो पंक्ति है, ठीक है, देखिए एकदम ये इसके सीध में है, इसके प्रत्येक गोला इसके एकदम सीध में आएगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो तीसरी पंक्ति है पहली पंक्ति के समान है, तो पहली पंक्ति आपकी बी थी तो तीसरी पंक्ति भी आपकी बी होगी। और चौथी पंक्ति देखेंगे तो देखिए ये चौथी पंक्ति आपकी दूसरी पंक्ति के एकदम बिल्कुल समान है, ठीक है, तो इसलिए चौथी पंक्ति ए प्रकार की पंक्ति, यानी अगर यहाँ हम पैटर्न देखें तो बी ए पैटर्न होगा, या अगर यहाँ हम पहले का ए नाम दे दूसरा का बी तो आपका ए बी पैटर्न होगा, वही नाम देने का अनुसार, ठीक है, आप पी की कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना आपकी बनती है इस प्रकार, ठीक है।
और इसमें पैटर्न आप देख ही लिए। और अगर इसमें हम उपसहसंयोजन संख्या की बात करें कि उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ एक हमने गोला लिया है, ठीक है, इस गोले से कितने गोले सट हुए आप देखिए, यहाँ एक, ये दो, ये तीन, इधर चार, ये पाँच, छः, छः गोले सटे हुए। कोई भी आप ले लेंगे, जैसे इसको भी आप ले लेंगे, ठीक है, अगर आप इसको भी लेते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः गोले सटे हुए हैं, यानी यहाँ उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, छः होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो द्विविमीय में जो निविड़ संकुलित संरचना बनती है, दो प्रकार की बनती है। फर्स्ट होता है वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना, सेकेंड होती है षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना, जिसमें आपके वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना की उपसहसंयोजन संख्या चार होती है और षट्कोणीय निविड़ संकुलित जो संरचना होती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या छः होती है। अब देखिए इन दोनों फिगर का, ठीक है, इन दोनों परतों का उपयोग कर हम 3D यानी त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना बनाएंगे। क्लियर है, इन्हीं दो परतों का उपयोग कर हम त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे, चलिए उसको पढ़ते हैं, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊँगा। देखिए ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता आपके एग्जाम में, बनेगा तो मतलब इसका उपसहसंयोजन संख्या से या न्यूमेरिकल का प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। थ्योरिटिकल इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, इसलिए मैं थ्योरी पे बहुत कम ध्यान दे रहा हूँ। बाकी आप नोट्स ले लीजिएगा, हमारी जो एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेस, वहाँ एकदम पूरा डिटेल पे लिखा गया है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए द्विविमीय में निविड़ संकुलित संरचना दो प्रकार की हो गई, वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना और षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना। अब इन दोनों संरचनाओं का उपयोग कर हम 3D संरचना बनाएंगे, ठीक है, त्रिविमीय में निविड़ संकुलित। और देखिए अभी हमने 1D पढ़ लिया और 2D पढ़ लिया, तो ये देखिए हम लोग उसके बाद हमें 3D पढ़ना है। जो ये 3D संरचना होती है यही वास्तविक संरचना होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी गया होगा, ठीक है, मैं पेन का थोड़ा कलर बदल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कि सभी वास्तविक संरचनाएँ त्रिविम संरचनाएँ यानी वही 3D संरचनाएँ होती है। यह द्विविम परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जाती हैं। द्विविम वर्गीय निविड़ संकुलित और षट्कोणीय निविड़ संकुलित परतों का उपयोग कर दो प्रकार की त्रिविम संरचनाएँ बनाई जा सकती है, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की त्रिविम संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका एक उपयोग कर और एक इसका उपयोग कर क्या कर सकते हैं कि हम दो प्रकार से त्रिविम निविड़ संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम ये पूरी हम लोग की एक यह परत है, ठीक है, ये परत है, अगर इसके सेम टू सेम ऊपर एक दूसरी परत हम रखते जाएं, ठीक है, इसके ऊपर सेम टू सेम दूसरी परत रखें, जैसे यहाँ मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, देखिए ये हम लोग की फर्स्ट परत है, ये नीचे देखिए ये पूरी की पूरी इधर ये परत है, इधर आपको नहीं दिखेगा, सेम इसी प्रकार ये दूसरी परत हम लोग इसके ऊपर रख देंगे, इसी प्रकार हम लोग तीसरी परत, उसी प्रकार हम लोग चौथी परत इस तरह ऊपर हम रख देंगे, तो इस प्रकार से जो बनी क्या है संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बोलते हैं। और देखिए यह किससे बनी है, यह एक हम लोग की यह नीचे वाली अगर एक संरचना देखें तो ये देखिए यह वाली संरचना है, यह वाली संरचना है, ठीक है, यानी इसी को बार बार दोहराकर यानी वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना को ही बार बार दोहराकर यहाँ यह संरचना बनाई गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बना लिया संरचना वर्गीय निविड़ संकुलित का उपयोग कर अब हम षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना यानी इस संरचना का उपयोग कर हम एक और 3D फिगर बनाएंगे, चलिए उसको भी बनाते हैं। उससे पहले ये जो चीज़ें लिखी गई है इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि जब दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाए। ओके, देखिए पहली परत के गोले के ऊपर दूसरी परत के गोले एकदम ठीक ऊपर आने चाहिए, देखिए उनके केंद्र एकदम आपके बिल्कुल क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले से पहला इस तरह ये मिल रहा है दूसरी परत के गोले से, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होगी वही आपकी त्रिविम निविड़ संकुलित संरचना होगी, ठीक है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत का उपयोग करके जो हम बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं उसको एक बार और पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि जब दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हों, ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के केंद्रों के दोनों गोलों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में, ओके, क्षैतिज यानी इस तरह और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह, देखिए मतलब एक ही केंद्र में ये गोले के है ना, गोले के केंद्र,
आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, यदि पहली परत के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार की, अगर ये पहली परत की गोले की व्यवस्था को ए प्रकार की हम माने तो देखिए दूसरी परत को भी हम ए ही मानेंगे, क्योंकि एकदम यह पहली परत के ही समान है, तीसरा भी एकदम पहली परत के ही समान है तो इसको भी ए मानेंगे, चौथा भी ए ही प्रकार की, आगे भी अगर इस पर कोई आप परत धरते हो तो वो भी एकदम इसी प्रकार की होगी, यानी सेम टू सेम सभी परतें एक प्रकार की होगी, यानी इसमें जो पैटर्न होगा वो ए ए ए ए ए ए डॉट 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 ए ए पैटर्न होगा। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ एक बार और मैं इस चीज़ को आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि पहली परत की गोले की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो दूसरी और तीसरी और अन्य परत और जितना भी हम रखते जाए कि व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी। इस प्रकार इस त्रिभुज में ए ए ए ए डाट 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 प्रकार की संरचना पाई जाती है और इस प्रकार से बनने वाला जालक सामान्य घलनीय जालक यानी SCC और उसी उसकी एक कोष्टिका आंध्र एक कोष्टिका यानी SCC होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो द्विविमीय वर्ग न्यूड संकुलित परत का उपयोग कर त्रिविमीय न्यूड संकुलित संरचना बनाई जाती है उस वो SCC टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे एक लेकर यहाँ पे दिखा भी दिया गई, ये मैंने आपको बताया था SCC। ठीक है, इसमें चार गोले नीचे चार गोले ऊपर कोनों पर उपस्थित होते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये जो हम लोग की ये संरचना है वर्गीय न्यूड संकुलित संरचना, इसका उपयोग कर हमने त्रिविमीय वर्गीय न्यूड संकुलित संरचना बना लिया। अब चलिए हम षट्कोणीय न्यूड संकुलित संरचना यानी इस संरचना का उपयोग कर हम क्या बनाते हैं कि 3D एक संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ मैं थोड़ा इस चीज़ को इरेज करना चाहूँगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि षट्कोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिभुज निविड संकुलित संरचना, षट्कोणीय निविड परत यानी इस परत से उपयोग कर। ठीक है, यहीं पे देखिए मैं यहीं पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहीं पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और यहीं पे आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, देखिए षट्कोणीय निविड संकुलित परत है ये, अब इसके ऊपर हम 3D संरचना बना रहे हैं। 3D संरचना बना रहे हैं कैसे बनाएंगे इसका उपयोग कर। ठीक है, देखिए ये हम लोग की एक पूरी परत है, इसके ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे, जैसे हमने रखा ना इसके इस प्रकार की जो परत है इसके ऊपर हम दूसरी तीसरी रखते गए, इसी प्रकार इस षट्कोणीय न्यूड संकुल मतलब ये द्विविमा में जो हम लोग की षट्कोणीय न्यूड संकुलित परत है इसका उपयोग कर हम 3D संरचना बनाएंगे। तो इस फिगर को लेकर इसके ऊपर एक और संरचना रखेंगे, तो और उस संरचना को किस प्रकार रखेंगे, उस संरचना को हम इस प्रकार रखेंगे कि उसके गोले इसमें जो देखिए यहाँ ये आपके ये एक रिक्ति दिख रही है जिसको हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं, इसको भर दे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इस तरह ये मतलब इस तरह से वो संरचना इस पर अरेंज होगी। ठीक है, यहाँ से ये आपका उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि अगर इस प्रकार से हम भरेंगे तो यहाँ पे अगर इस फिगर को मैं निकालूँ तो यहाँ दूसरी परत को हम जब इस पे रखेंगे तो हमें दो प्रकार की रिक्ति, जी हाँ गाइस, दो प्रकार की अन्य रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी इसमें। तो वहीं यहाँ पे देखिए चीज़ लिखी गई होगी कि जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर ठीक इस प्रकार रखे जाएँ कि दूसरी परत के गोले पहली परत के अनमन यानी गर्त अनमन यानी गर्त यानी वही यहाँ पर हमने ये आपका अनमन यानी यहाँ पर मैं मिटकाकर एक बार बता देता हूँ, यही आपका अनमन है, यही आपका क्या है, यही गर्द है या अनमन इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो चलिए आगे हम चलते हैं, यहाँ समझते हैं। देखिए जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर ठीक इस प्रकार रखे जाएं और कौन सी परत के ये वाले ये षट्कोणीय निविड संकुलन वाले, क्लियर है, जब क्या किया जाए यहाँ पे आ जाते हैं, जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर ठीक इस प्रकार रखे जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के अनमन यानी गर्त में आ जाए। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ता हूँ कि जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर ठीक इस प्रकार रखे जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के अनमन यानी गर्त में आ जाए, तब ठीक है दो प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, पहली चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है पहली कौन सी रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति जो चार गोलों से मिलकर बनी होती है, और दूसरी अष्टफल की रिक्ति जो छह गोलों से मिलकर बनी होती है। अब इन रिक्तियों का छादन करने के लिए दूसरी परत पर हम तीसरी परत रखते हैं और तीसरी परत को हम निम्न दो प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे रखेंगे उसको मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसका मैं एक फिगर अच्छे से यहाँ पर बना लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर मैं फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ।
देखिए ज़रा आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हम लोग की पहली ये परत है, ठीक है। ये हम लोग की यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हम लोग की ये पहली परत है जो अभी हमने बनाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये यानी षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना है। यहाँ पे जो अभी हमने ये फिगर बनाया है, ठीक है, ये षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना है। अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर हम लोग दूसरी परत कैसे रखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरी परत मैं रखता हूँ, दूसरी परत ऐसे रखते हैं कि जो ये यहाँ पे अनमन यह दिख रहा है, यानी खाली स्थान कुछ इस प्रकार का यहाँ पे, ठीक है, इसको हम मतलब भर पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम भर कर हम दूसरी परत रखते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ, देखिए यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पे गर्त है तो कुछ इस प्रकार से, देखिए ये इसमें सटना चाहिए थोड़ा। मैं इस टूल का उपयोग करके ये चीज़ फिगर बनाता हूँ, जिससे क्या होगा कि मतलब आसानी होगी। एक मिनट, और इसका अगर मैं कलर करूँ, कलर दूसरा कर देता हूँ कि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका उपयोग कर यहाँ ये वाला भर दिया, ठीक है, ये वाली। अब इसी प्रकार हम इस परत तो एक बनाएंगे ना, ये तो एक गोला हुआ, सेम इस तरह जो परत है पूरी परत बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, इसी का उपयोग कर बना लेता हूँ। एक मिनट, इसको भी मैं मिररिंग कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ ये भी हो गया, ये भी आपका क्या हुआ कि मतलब इस पर इससे आच्छादित हो गया। ये हम लोग दूसरी परत के वाला भी रख रहे हैं। अब देखिए मैं एक और आगे इसी तरह मिररिंग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ नीचे भी कर लेता हूँ, यहाँ नीचे भी कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ इसका नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस प्रकार मतलब पूरी इस पर आप सेकेंड परत रखेंगे, ठीक है। सेकेंड परत रखने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आपको कुछ संरचनाएं मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट संरचना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बनाकर। एक मिनट, देखिए एक संरचना ऐसी आपको मिलेगी, कहीं आपको दिख रही है ऐसी संरचना इस फिगर में, यहाँ पे दिख रही है। देखिए ये जो तीन गोले हैं आपके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो फर्स्ट गोला है, ये सेकेंड गोला है, ये आपका थर्ड गोला है, और इसके ऊपर एक गोला है। तो ये आपकी यहाँ पे एक ऐसी संरचना दिख रही है, इस प्रकार की संरचना दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि तीन गोलों के ऊपर एक गोला है, यानी यहाँ मैंने बताया ना कि जो चार गोलों से मिलकर बनी होती है वह चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। यहाँ पर एक चतुष्फलकीय रिक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन देखिए नीचे तीन गोले हैं और उसके यहाँ खाली स्थान है, उस खाली स्थान पर एक गोला आ गया है। तो यहाँ जो रिक्ति है सेकेंड जो हम परत रख रहे हैं उसी के कारण आच्छादित हो गई है, लेकिन इसमें एक और चतुष्फलकीय, दो प्रकार के चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न होती है और एक अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है। अभी हम अष्टफलकीय रिक्ति की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई, जिसको हम दूसरी परत ही रखते हैं तो वह क्या होती है कि मतलब समाप्त हो जाती है। और इसमें देखिए जो आप पहला परत रखेंगे वो ए प्रकार की होगी, दूसरा परत रखेंगे पहले से बिल्कुल भिन्न होगी, यानी वह बी प्रकार की होगी। अब देखिए यहाँ एक और मैं फिगर बनाता हूँ चतुष्फलकीय रिक्ति का। देखिए यहाँ एक गोला मैंने ले लिया, आप ये फिगर में कहीं देखेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर आपके तीन गोले, यहाँ तीन गोले के ऊपर एक गोला था। यहाँ आप फिगर में कहीं देखेंगे कि एक गोले के ऊपर आपको क्या होगा कि कहीं तीन गोले दिखाई देगा। एक मिनट, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको कहीं दिख रही होगी। इसी में आप कहीं भी ले ले एक, यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ। देखिए शायद इसमें मैं पूरा का पूरा फिगर नहीं बनाया हूँ, तो ये मतलब दिक्कत कर रहा है ढूंढने में। मतलब आप समझिए कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होगी ना, यहाँ दो प्रकार की होगी, एक कुछ इस प्रकार की, मतलब नीचे तीन गोले होंगे उसके ऊपर एक गोला होगा, और एक इस प्रकार का कि नीचे एक गोला होगा उसके ऊपर तीन गोले होंगे। तो देखिए दूसरी परत पर ही रखने पे ये, चूंकि हम तीसरी जो मतलब इस प्रकार की जो रिक्ति है इसका आच्छादन हम यहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ नीचे तीन गोले, यहाँ पर रिक्ति है, इसके ऊपर हमने ये एक परत लाकर ये गोला लाकर रख दिया तो उसका आच्छादन हो गया। तो हम लोग की इस प्रकार की जो चतुष्फलकीय रिक्ति है वो दूसरी परत ही रखने पर मतलब समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो इस प्रकार की परत है, देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्या है, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये शायद सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है।
ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कि आपके तीन गोले क्या है, सॉरी एक गोला नीचे है, ठीक है, वो काला वाला जो गोला है नीचे है और उसके ऊपर तीन गोले हैं, यानी यहाँ पे एक मैं फिगर बनाता हूँ, आप इसे समझिए। आपके ये आपके क्या है कि तीन गोले इस पर, सॉरी एक गोला नीचे है और उसके ऊपर आपके तीन गोले हैं, तो यहाँ पे जो रिक्ति यहाँ पे ये बन रही है ये ऊपर ही बन रही है, तो इसके आच्छादन के लिए हम क्या करेंगे, इस पे तीसरी परत रखेंगे। तो इस प्रकार की चतुष्फल की ये रिक्ति का आच्छादन करने के लिए हम इस पे तीसरी परत रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस मतलब किस परत का आच्छादन करने के लिए हम दूसरी के बाद तीसरी इस पे परत रखेंगे, किस चतुष्फल की ये रिक्ति का, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा अष्टफलकीय रिक्ति की भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर इस फिगर को मैं पूरा बनाऊं तो इसमें आपको एक अष्टफलकीय रिक्ति भी दिखेगी। अष्टफलकीय रिक्ति कैसी दिखेगी, जिसमें आपके छह गोले, जैसे तीन गोले आपके इस तरह नीचे, ठीक है, इस तरह तीन गोले नीचे और इसके ऊपर इस तरह तीन गोले आपको इस तरह मिलेंगे, और यहाँ जो रिक्ति बनेगी वो क्या बनेगी, अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। क्लियर है, वो कौन सी रिक्ति होगी, अष्टफलकीय रिक्ति। तो इस अष्टफलकीय रिक्ति और जो हम लोग अभी एक देखे पीछे चतुष्फलकीय रिक्ति, इन दोनों का आच्छादन करने के लिए इस पे हम दूसरी परत के बाद तीसरी परत रखेंगे, ठीक है। तीसरी परत रखेंगे तो हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति का पूर्ण रूप से आच्छादन हो जाएगा, ठीक है, और तीसरी परत रखेंगे तो ए और बी दोनों से बिल्कुल भिन्न सी प्रकार की परत होगी, ना ए प्रकार की होगी ना बी प्रकार की होगी, ठीक है, वह एक अलग ही प्रकार की होगी, यानी सी प्रकार की होगी। लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति का भी आच्छादन होगा उस परत से, हम अलग अलग करेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति का अलग करेंगे तीसरी परत रखकर, अष्टफलकीय रिक्ति का अलग करेंगे, ठीक है, यानी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय यहाँ पे लिखा गया है ना कि, लेकिन तीसरी परत को दूसरी परत पर दो प्रकार से रखा जा सकता है, फर्स्ट चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करके और सेकेंड अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करके, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति का पूर्ण रूप से आच्छादन यहीं पे हो जाएगा तीसरी परत रखने के बाद, लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति का हम आच्छादन करेंगे तीसरी परत रखकर तो एक और प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, एक और अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी अलग ही। तो उसको आच्छादित करने के लिए हम उस पर चौथी परत रखेंगे और चौथी परत एकदम बिल्कुल ए जो एक के केंद्र है उससे मैच कर जाएगी, यानी ए प्रकार की परत होगी। यानी यहाँ जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वह ए बी सी और फिर यहाँ पे ए आ जाएगा और आगे इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे तो बी सी, यानी यहाँ पे ए बी सी पैटर्न आपको प्राप्त होता है। क्लियर ये चीज़, केवल यहाँ इतना आप ध्यान रखिए और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लड़कों को, ठीक है। देखिए थोड़ा आप धीरे धीरे इस लेसन में आप आगे पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे तो ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। आगे भी मैं आपको अगर आप डिमांड करेंगे तो इसको अच्छे से एकदम 3D फिगर लेकर अच्छे से समझा दूंगा। थोड़े यहाँ मैं भी मतलब इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया क्योंकि बहुत बोरिंग थोड़ा टॉपिक है 3D जो यह संरचना है, ठीक है। तो बस इतना जान जाइए, ठीक है, यहाँ कि हम कैसे मतलब करते हैं, यहाँ एक बीमा में न्यूट संकुलन इस तरह हम कुछ करते हैं, गोलों को इस तरह एक पक्ति में रखते हैं और इसकी उपसंयोजन संख्या दो होती है। उपसंयोजन संख्या का डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, यहाँ आप याद कर लीजिए ये आपके न्यूट संकुलित संरचनाएँ क्या होती हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर ये जान जाइए कि फर्स्ट जो हम लोग 1D जो संरचना थी उसका उपयोग कर हम 2D संरचना बनाते हैं और यह दो प्रकार की होती है, वर्गीय न्यूट संकुलित और षट्कोणीय न्यूट संकुलित। और फिर इन यानी ये जो दोनों संरचना है तो 2D होती है और इनका उपयोग कर हम 3D संरचना बनाते हैं, इसका एक उपयोग कर एक प्रकार की संरचना बनाते हैं जो SCC टाइप की संरचना प्राप्त होती है, और फिर इसका उपयोग कर हम एक संरचना बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि एक इसके ऊपर एक और यानी दूसरी परत रखते हैं, और दूसरी परत रखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ दो प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। फर्स्ट रिक्ति आपकी चतुष्फलकीय होती है और सेकंड आपकी अष्टफलकीय होती है। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वह चार गोलों से घिरी होती है और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वह आपकी छह गोलों से घिरी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करने के लिए इस पर तीसरी परत रखते हैं, तीसरी परत रखते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्ति का पूर्ण रूप से आच्छादन होता है और अष्टफलकीय रिक्तियों का भी आच्छादन होता है, लेकिन उसमें अभी कुछ नई अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर उस पर मतलब हम चौथी परत रखते हैं और ये जो परत होती है तीनों शुरू की वो अलग अलग टाइप की होती है, यानी पहली परत कुछ अलग ही, दूसरी परत कुछ अलग ही, तीसरी परत कुछ अलग ही, यानी उनके केंद्र मैच नहीं करते, यानी ABC टाइप की, और जो चौथी परत जाकर प्राप्त होती है वो ए टाइप की प्राप्त होती है। आगे अगर और भी हम परत रखते जाए तो BC, यानी यहाँ पैटर्न जो होता है ABC होता है। क्लियर है ये चीज़, तो बस इसमें इतना ही आप ध्यान रखिए और कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है।
बस रहने देते इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक है ही तो, ठीक है। तो रहने देते इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।